अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कामयाब तरीन लोग सबसे ज्यादा और मुसलसल क्या मुनफरिद करते हैं? जिंदगी का बड़ा विजन, बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट, मुतवाजन जिंदगी, शुक्रगुजारी वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से जवाबात आपके जहन में आ सकते हैं और ये किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, लेकिन स्टीफन कोवे, जिसने दुनिया की एक मार्का हरा किताब द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी है, इसके मुताबिक एक आदत है जो कामयाब तरीन लोगों में पाई जाती है और वो मुसलसल इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टीफन कोवे की किताब द एट्थ हैबिट इसी गैर मामूली आदत के बारे में है। ये आदत है दूसरों को मुतासिर करना और उन्हें उनकी ज़िंदगी गुजारने की तहरीक देना। गौर कीजिए कि इंसानी तारीख में सिर्फ वही लोग जिंदा हैं जिन्होंने अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए राहें हमवार की हैं। लेकिन क्या आप मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी गुजार कर अपनी ज़िंदगी को गैर मामूली बना सकते हैं? क्या इस काम के लिए यूट्यूब चैनल बनाकर, अपनी मोटिवेशनल वीडियोस बनाकर आप दूसरों के लिए राहें हमवार कर सकते हैं? चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारी ज़िंदगी के चार बुनियादी शोबे हैं, फिजिकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और खुशी हासिल करने के लिए इन चार शोबों में काम तो करते हैं, लेकिन सरासर गलत। इस वजह से हमें कामयाबी मिलती है और ना ही खुशी हासिल होती है और हमारी पूरी ज़िंदगी चूहे बिल्ली की दौड़ की मानिंद गुजर जाती है। मिसाल के तौर पर, जो लोग मुलाजमत करते हैं वो सारा दिन अपने दफ्तर की कुर्सी मेज तक रहकर पूरा दिन गुजारते हैं और थके हारे घर पहुंचते हैं और फिर रिमोट हाथ में लिए टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। यह उनकी ज़िंदगी का जिस्मानी पहलू यानी फिज़िकल एस्पेक्ट है। हम अपने काम करने के लिए ख़त लिखते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं, जो काम आज के लिए तय किए हैं वो निपटाने के लिए मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल करते हैं। नित नई ऐप्स इंस्टॉल करके हम ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये ज़िंदगी का ज़हनी पहलू यानी मेंटल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है। तीसरा पहलू है जज्बाती या इमोशनल होना। हम अपने घर वालों की सालगिरह मनाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ये सब वक्ती होता है। जहाँ बॉस का मामला आए, बीवी बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसी नफरत और उल्फत में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। और चौथा पहलू जिस पर इंतहाई कम लोग तवज्जो देते हैं वो है रूहानी पहलू, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। हम वक्त की कमी की वजह से मुराकबा नहीं करते। अव्वल तो नमाज पढ़ते ही नहीं हैं और अगर पढ़ें भी तो बस जल्दी जल्दी फ़र्ज़ पूरा करते हैं, क्योंकि अभी बहुत से काम करना बाकी हैं और ज़िक्र अल्लाह के लिए तो वक्त ही नहीं निकल पाता। इंसानी ज़िंदगी के ये चार पहलू दरअसल चार इंसानी ज़रूरियात हैं, लेकिन हम इस बुरी तरह ये ज़रूरियात पूरी करते हैं कि ज़िंदगी अजीर्ण होती चली जाती है। दरअसल हम जिस मुआशी निज़ाम की कैद में ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके तकाजे पूरे करने के लिए हमें अपनी इन चारों ज़रूरियात को दबाना पड़ता है, और जब ये फितरी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो लोग शदीद डिप्रेशन और ख़ुदकुशी तक चले जाते हैं। हद तो ये है कि तहजीब के नाम पर भी महज़ब माशरों में जो कुछ हो रहा है वो इंसान की फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस गैर फितरी तहजीब ने इंसान के अंदर पांच किस्म के ख़तरनाक बर्ताव पैदा किए हैं, तनकीद, शिकवा शिकायत, मवाजना, मुकाबला और गुस्सा। क्या आज के दफातर और बाज़ार इस मिसाज से भरे हुए नहीं हैं? ये दर्जे बाला बर्ताव दरअसल पाँच किस्म के कैंसर हैं जिन्होंने हमारे माशरे को बर्बाद करके रख दिया है। इस वजह से कोई इदारा अपने मुलाजमीन पर और मुलाजमीन अपने अफसरान पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। एक ही छत तले काम करने वाले एक दूसरे से खाइफ और खौफजदा हैं। लेकिन अगर आप इस कैद से निकलना चाहते हैं तो आपको दोबारा अपनी तीन पैदाइशी और फितरी नेमतों को खंगालना और ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करना होगा। ये तीन फितरी नेमतें हैं, नंबर वन इंतखाब की आज़ादी, नंबर दो सात फितरी कवानीन, फेयरनेस, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी, सर्विस, कंट्रीब्यूशन। यही वो कवानीन हैं जो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हमारे लिए ज़्यादा इंसानियत नवाज फैसले करना मुमकिन होता है और सबसे बढ़कर ऊपर बयान की गई चार बुनियादी इंसानी ज़रूरियात दुरुस्त तौर पर पूरी करने का मौका मिलता है। ये सातों कवानीन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जो आदमी इन सातों कवानीन को अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करता है, इसकी चारों बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती हैं। जब इंसान की ये ज़रूरियात पूरी होती हैं
तब वो इस काबिल होता है कि वो खुद को जान सके और अपने अंदर की आवाज़ को सुन सके। जो आदमी दूसरों की आवाज़ के पीछे चले और मरवजा निज़ाम की पैरवी करे, वो अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकता, वो अपने तई खुद को पहचान नहीं सकता। अपनी आवाज़ को सुनकर गैर मामूली काम करने वाले अफराद ही दूसरों को गैर मामूली ज़िंदगी गुजारने की तहरीक दे सकते हैं। इस लिहाज से स्टीफन आर कवी के बकौल ये अमल दर्जे ज़ेल मराहिल पर मुश्तमिल है। अव्वल, इंतखाब की आज़ादी के इस्तेमाल की जुर्रत पैदा की जाए। दोम, अपने हालात व वाक़यात में से मुस्बत और तामीरी पहलुओं को तलाश किया जाए। सोम, अपनी चार बुनियादी ज़रूरियात फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल नीड्स का इस्तेमाल फितरी तौर पर किया जाए और ये तीनों काम गुज़िश्ता 7 आदात पर अमल करके बआसानी मुमकिन बनाए जा सकते हैं। तब कहीं जाकर आदमी इस काबिल होता है कि वो दूसरों को उनके अंदर की आवाज़ सुनने पर उकसा सके और ये वो 8वीं आदत है जो दुनिया के मौसर तरीन अफराद में पाई जाती है, जिन्हें तारीख याद रखती है और लोग इनसे इनके मरने के बाद भी फैज़याब होते हैं। जी जनाब, मुझे लगता है ये वीडियो कहीं ज़्यादा ही संजीदा हो गई है, लेकिन जनाब हकीकत यह है कि ज़िंदगी में कामयाब तो वही लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे अपने आप से संजीदा रहते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। आपने इस वीडियो से क्या अहम बात सीखी कमेंट में लिखकर बताइए। हो सकता है आपका ये नुक्ता आपकी ज़िंदगी को यकसर बदलने वाला हो, या फिर आपका एक जुमला किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल कर रख दे और आपको पता भी ना चले कि अनजाने में आप इस 8वीं आदत का इस्तेमाल कर गए। कैसा? तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में क्या तब्दीली आई है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।